रांझी थाना क्षेत्र के एक पिता की हैवानियत, अपनी नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म, आरोपी पिता गिरफ्तार। रांझी थाना क्षेत्र के एक करियोगी पिता ने अपनी ही 15 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। एडिशनल एसपी प्रदीप कुमार शिंदे ने बताया कि नाबालिग बेटी के साथ उसका पिता लंबे समय से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे रहा था। वही नाबालिग किशोरी अपने हैवान पिता की करतूतों से परेशान होकर रांझी थाना पहुंची और अपने साथ हुई घटना की रिपोर्ट दर्ज करानी गई, जहां पुलिस के द्वारा आरोपी पिता के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि एक नाबालिग किशोरी ने अपने पिता के खिलाफ लंबे समय से उसके साथ दुष्कर्म करने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जहां रिपोर्ट धारा 376 पॉस्को एक्ट के तहत आरोपी नकेश को गिरफ्तार कर लिया गया है। पिता ने बेटी का दुष्कर्म से क्या मामला? ये थाना रांझी के का मामला है। थाना रांझी में एक नाबालिग बच्ची ने अपने पिताजी के अगेंस्ट दुष्कर्म करने की कल कंप्लेंट की थी। उसके रिपोर्ट पर उसके पिता के ऊपर भारतीय दंड विधान की धारा 376 और 501 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत अपना मामला पंजीकृत कर विवेचना में लिया गया है। आरोपी को राउंड अप करके जेल में भेजा गया है और इसमें इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू है। अभी इन्वेस्टिगेशन में जो भी और एविडेंस आएंगे उसके आधार पर हम आगे कार्रवाई करेंगे। ये आरोपी करता क्या है, कितनी उम्र का है? ये लगभग 40 की एज का है और ये घरेलू काम, खेती किसानी, मजदूरी इत्यादि काम करता है। क्या नाम है आरोपी? इनका नाम है नकेश सिंह।